जब एक्सेस की क्लास एक्स्ट्रा क्लासेस में साधा प्रसाद जी मेरे साथ है और उनके उनका एक ज़रूरत है, तो एक फॉर्म बनाना चाहते हैं और फॉर्म पे किसी पर्टिकुलर डेटा का ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे दिखे, राइट सर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्रिएट में आता हूँ और क्रॉस टैब थ्री लेता हूँ, पूरी बिजार से लेता हूँ क्रॉस टैब थ्री। ये मैं अपने इस नीड इस डेटा के नीड के लिए बना रहा हूँ, आपके लिए जरूरत नहीं है सर। तो यहाँ पे कॉस्ट क्यूरी में टेबल लिया और इसमें मैंने नेम डाल दिया, नेक्स्ट जैन नेक्स्ट ऐसे कुछ ले लिया हमने। जी सर। इसे क्या हुआ कि मेरे जितने भी नेम है ना यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ अपने फॉर्मेट में, डिजाइन में, सॉरी डिजाइन में, और यहाँ से लिस्ट बॉक्स लेता हूँ, एक कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स जैसे लूंगा मुझसे पूछेगा कि इस पर क्या चाहिए, तो आई विल यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में हमने यहाँ पे कर दिया या वन टू कॉम्बो बॉक्स, इसमें क्यूरी को सिलेक्ट कर लिया क्रॉस टैब क्यूरी, और यहाँ पे हमने नेम को यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने नेम दे दिया नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। तो इससे क्या हुआ कि नेम आ गया, राइट जी सर। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नेम हम सिलेक्ट करें, राइट जी सर, जी सर, उसी का डेटा वहाँ आना चाहिए, राइट जी सर। ये चाहते ना, तो डेटा कहाँ आएगा सबसे पहले इस चीज को जानिए कि डेटा आएगा। अगर नॉर्मल क्यूरी की बात करें तो हम नॉर्मल यहाँ पे जा सकते हैं डिजाइन क्यूरी में, और डिजाइन क्यूरी में हम यहाँ पे एक ही टेबल है तो यहाँ पे टेबल टेबल ऐड करते हैं। जी सर। टेबल ऐड किए और हमने बोला कि यहाँ पे नेम इसमें पूरा चाहिए, माफ कीजिए मैं इसको एकदम तो स्टार कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, पूरा ही चाहिए होगा ना सर। जी सर। और यहाँ पे हमने नेम दे दिया और यहाँ पे अपना कंडीशन दे दिया क्राइटेरिया पूजा। जी सर। अब इसके एसक्यूएल व्यू में जाके देखिए, इसका एसक्यूएल व्यू आ गया, पूजा आ गया। तो ये जो जी सर है, इस पूजा को हम यहाँ हटाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना फॉर्म को सेव करना होगा। जी सर। फॉर्म सेव करना होगा, चलिए कोई बात है, इसका नाम इसकी प्रॉपर्टी में एक बार आता हूँ। मैं आपको 15-20 मिनट कॉल करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास से फ्री होकर इतना इतमान से बात करता हूँ आपसे। यहाँ पे इसका एन एन नाम दे दिया या इसका नाम हमारा फॉर्म वन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूरी में आते हैं, इसकी जो एसक्यूएल क्यूरी है इसमें हम पूजा को डिलीट करते हैं, राइट सर जी सर। पूजा को डिलीट करके हम बॉक्स में फॉर्म्स और इसमें रहते एक नाम देना होगा फॉर्म वन और यहाँ पे, ठीक है सर जी सर। ये हमने दे दिया,
सर यहाँ से फ्लो। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक बटन तैयार करना है इस क्वेरी को रन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन में आता हूँ और यहाँ से एक कॉम्बो बटन देता हूँ गेट डेटा के नाम से। कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मिसलेनियस में रन क्यूरी नेक्स्ट क्यूरी और नेक्स्ट टेक्स्ट रन क्यूरी का जवाब देता हूँ। जी से सेव करता हूँ, फॉर्म वन भी नाम रखता हूँ। उसके बाद मैं फॉर्म वन पे आता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ नाम और गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ अमर का डेटा है आया जी। अब आपका करना है कि मुझे सेम डेटा चाहिए यहाँ नीचे लिस्ट बॉक्स में, जी सर राइट, ये चाहिए ना आपको सर? हेलो आवाज आ रहा है मेरे से? हाँ, मुझे ने देव सेलेक्ट किया और गेट डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ देव का वो डेटा आ गया। तो ये डेटा जो अलग क्यूरी में आ रहा है तो ये जस्ट व्यू के हिसाब से कि हमें इसको व्यू करना है, बट आपको यार लिस्ट बॉक्स के रूप में चाहिए, राइट सर? तो यहाँ पे मैं डिजाइन पे आता हूँ और यहाँ हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स होता है। हालांकि यहाँ पे देव एक और भी चीजें हैं, देख लेता हूँ एक बार लिस्ट बॉक्स, ये आप आता है सब फॉर्म स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ लिस्ट बॉक्स भी लेता हूँ और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आई विल टाइप। तो मैंने इसका डेटा चाहिए तो डेटा हमने किया, हमने क्यूरी पे गए, क्यूरी वन को सेलेक्ट किया नेक्स्ट और हम नहीं लिस्ट बॉक्स ले लिया ना सर? जी सर। ये नहीं होगा क्योंकि इससे लिंक्ड है, इसे हटाते हैं। इसमें हम जो है एक यहाँ पे बड़ा होता था सर, और छोटा करता हूँ इसको। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है इस यहाँ पे आप स्पेल कोड जो है लेवल नेम आपका दिखे, हाँ लिस्ट थ्री, इसके बाद पे मैं कर देता हूँ डेटा और यहाँ पे लेवल नेम कंट्रोल से हटा देता हूँ, डेटा में आता हूँ, ये रहा सिलेक्ट। यहाँ पे हम क्यूरी लिख सकते हैं, राइट सर? अब यहाँ लिख सकते हैं लेकिन छोटी छोटी सी दिक्कत हो रही क्योंकि हमारा क्यूरी ए है यहाँ से, सॉरी इसको डिजाइन में जाना होगा ना, मैं सेव करता हूँ। ये नहीं आ रहा चेंज क्योंकि ये एक बार रन होता है, समझे? अगर हमारे को फिक्स होता कि मुझे पूजा का चाहिए तो यहाँ पे आ जाता, बट हम चाहते हैं इसको इसके साथ अटैच करना। तो इस केस में क्या करना होगा हमें, इस केस में हमें इसके ऊपर करना होगा वीवीए प्रोग्राम जी, समझ गया? और ये जो क्यूरी है हमें वीवीए प्रोग्रामिंग में अटैच करना, राइट सर?
तो वीवी प्रोग्रामिंग इस पे नहीं करेंगे हम, इस पे करेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट तो इसके बाद चाहिए ना सर। सर। तो इवेंट में हम यहाँ पे करते हैं आफ्टर अपडेट, ऑन चेंज, जी सर। ऑन चेंज, ऑन चेंज में यहाँ पे हम कोड बिल्डर पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा कोड आ जाता है। अब यहाँ पे अपना कोड लिखना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देते हैं कि डिम डीबी एपो डॉट डेटाबेस ओके और यहाँ पे आएगा डिम आर एस एज ए रिकॉर्ड से, क्योंकि तो डेटा रिकॉर्ड भी चाहिए ना हमें, सर। एज डी ओ डी ए ओ डी ओ डॉट रिकॉर्ड से, और जी सर यहाँ पे डिम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे एसक्यूएल की कोड लिखेंगे। तो पहले एसक्यूएल इक्वल टू हम यहाँ पे अपना कोड कर देते हैं। जी सर यहाँ पे हमने जो ये दे रखा है ना ये वेयर डेटा नेम वगैरह, तो यहाँ से इसको हटाते हैं। ठीक है, जी सर ब्रैकेट भी हटाते हैं, डेटा डॉट नेम इक्वल टू जाएगा कॉम्बो बॉक्स कॉमन एन एन है सॉरी एन एन डॉट बैक। ऐसे नहीं होगा कि इन्वर्टेड कॉमा में होगा, किसमें होगा, इन्वर्टेड कॉमा में होगा, इसके साथ कंबाइन होगा एन परसेंट के साथ, और फिर इसके साथ हमें कंबाइन करना होगा सेमी कॉलम ताकि स्टॉप करने के। तो आप एक बार मैच करके देख लीजिए सेम है ना, जी सर लग गया। एसक्यूएल कोड आ गया, अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड से। अब यहां पे लिखेंगे हम सेट आर एस, नहीं यहां पे सेट आर एस नहीं, सेट आदि होगा ना डीवी होगा ना, सेट डीवी इक्वल टू यहां पे लिखेंगे करेंट एस करेंट डीबी डॉट एसक्यूएल ऐसा भी जरूरत नहीं है, मैं रिकॉर्ड लेके आना है ना सर। अब यहाँ पे लिखेंगे सेट आर एस इक्वल टू डी बी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट रिकॉर्ड सेट, और इसके अंदर में हम डाल देंगे एस क्यू एल, विद इन नेम बटन, ठीक है ना जी। डाउट इसमें भी है, डेटा हमारा रिकॉर्ड सेट पे आ गया, कहाँ आ गया रिकॉर्ड सेट पे। इसमें हमें देना होगा तो रिकॉर्ड सेट, बॉक्स में नेम है ना हमारा, नेम डॉट नहीं और यहाँ पे छोटी सी दिक्कत आ गया कि इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, डेटा डेटा मी यहाँ पे मी डॉट डेटा डॉट लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू आर एस, जी
एक्सेल में होता है। मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा पता नहीं ना सर कितना लिस्ट है एंड ऑफ द फाइल आरएस डॉट एंड ऑफ द फाइल लूप फील्ड है उतना लिस्ट इक्वल टू के बाद यहाँ पे होना चाहिए everybody, if you have a yes, sir. करके देखते हैं ये होना चाहिए
ये स्पेलिंग मिस्टेक था, आपने बताया भी नहीं मुझे। ये कैपिटल लेटर होना चाहिए फर्स्ट वर्ड, मैंने देखा नहीं था। सर सर एसक्यूएल में सर इन्वर्टेड कॉमा रहेगा विद इन इन्वर्टेड कॉमा एसक्यूएल? नहीं नहीं एसक्यूएल में अवेलेबल है ना। समझ गया, जो हमने अमर लिखा है ना इसमें हमने डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में अब ऐड आइटम डेटा में क्या दिक्कत आ गई इसको, डेटा चेक कर लिया। द रो टाइप प्रॉपर्टी मस्ट बी सेट वैल्यू लिस्ट एंड दिस मेथड, इसमें क्या हो रहा है? कॉलम का इक्वल टू 11। लिस्ट यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, बाकी सब तो हो गया बट लोड नहीं हो रहा। लोड होने का मेथड लग रहा है नहीं पता। अच्छा इसको एरे में लेके चलते हैं। कितना रिकॉर्ड आपके पास होता है? रो कितने हो सकते हैं सर? रो सर पता नहीं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए ठीक है ना। डेटा अगर सर मान लीजिए बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिएगा, या एक सर ये 10 लाख कर दीजिए ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डीटी, डीटी में आर कॉमा आई
इक्वल टू आर एस डॉट फिल्ड्स, फिल्ड्स में आई, और आर क्या है तो यहाँ हम ऊपर में आर इक्वल टू आर प्लस, ठीक है, और यहाँ से भी चलाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट नहीं, यहाँ पे एड आइटम नहीं करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डेटा डॉट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट काउंट कर देते हैं, लिस्ट इक्वल टू डेटा। लिस्ट है, लिस्ट काउंट है, लिस्ट पेंडिंग है, लेफ्ट है। अच्छा एक्सेल की तरह ये नहीं होता है इसमें, लोड करने में दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि मैं जो कोड पहले रन करता था वो वर्क नहीं कर रहा है इसमें।
इसको छोड़ के ये दूसरा ही क्वेश्चन देखेंगे क्या सर? ओके ओके, एक मिनट, एक चीज मिसिंग गया। मिसिंग है चीज़ हुआ। यहाँ पे सर लिस्ट बॉक्स नहीं देखे, अगर शॉप फर्म देंगे तो हो जाएगा नहीं क्या? नहीं एक मिनट रुक जाए। इसमें आपका, इसमें हमारा होता है वैल्यू लिस्ट एक होता है, वो हमने सेट नहीं किया है। बारे में डेटा में, बोल रहा था और हम सुन नहीं पा रहे। डेटा सर, रो सोर्स यहीं पे ना सर, रिकॉर्ड सोर्स टेबुलर क्वेरी की जगह में वैल्यू होगा। नहीं एक मिनट, रो सोर्स की बात नहीं कर रहा, वैल्यू लिस्ट है यहाँ पर। रो सोर्स टाइप वैल्यू लिस्ट है, वैल्यू लिस्ट। अब आएगा मज़ा, अब हो जाएगा सर। एक छोटी सी मिस्टेक थी सर, बाकी सब ठीक था। यहाँ से इसको हटा दीजिए। यहाँ पे रो सोर्स डेटा सोर्स पे ब्लैंक किया है ना, जी तो मुझे रखना है सबसे ऊपर। कब आएगा? आ गया सर, जी, ठीक है। ओके यही चाहिए था ना। अब इसके ऊपर हेडिंग था, इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने हेडिंग के लिए कोड दिया था ना, जी, कलम हेड्स। हाँ कॉलम हेड्स करके, मी डॉट डेटा, डेटा डॉट कॉलम, कॉलम हेड्स। अब यहाँ पे कॉलम हेड्स नहीं, नहीं सॉरी सॉरी, एक जो सबसे पहला जो होगा ना सर, वो तो कॉलम जी हेड्स होगा यहाँ पे शुरुआत, तो आपको डालने पड़ेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं डाल ही देता हूँ जॉइन। मान लीजिए सर अभी इसमें मुझे, जीरो, इसमें प्रॉब्लम एक है कि ये नेम पे क्यों आ रहा है। पहली बार तो हमारा ब्लैंक ही होता है ना सर, जी लिस्ट, तो ये बाद में जो सेमी कोलन एरो जा रहा है ना, इस कारण से। अब सही आया,
अभी क्या हो गया? जब ये खत्म हो जाता है, लिस्ट चला जाता है, तो यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू ब्लैंक। LIST हो गया सर, LIST। ऊपर आप डबल कराए और उसका वैल्यू ले लें। जैसे मुझे एक और ऑपरेशन करना है, इसमें NN के ऊपर डबल क्लिक, ठीक है जी, बोल दिया MSG बॉक्स, और इसमें हमने बोल दिया NN डॉट वैल्यू, ठीक है सर। अब जैसे कोई इस पर डबल क्लिक करेगा, इवेंट इवेंट में ऑन क्लिक बिफोर इस पे आ। अच्छा, हमने डबल क्लिक इस पे सेलेक्ट कर दिया ना, ऑन डबल क्लिक, इसमें हमें देना होगा अपना जो कोड आप देना चाहते हो ना। यहाँ पे NN के जगह पर हो जाएगा डेटा, ठीक है जी। यहाँ पे है ना डेटा, डेटा डबल क्लिक MSG बॉक्स और यहाँ पे NN डॉट वैल्यू, ठीक है। हम जी अपने डेटा के ऊपर डबल क्लिक जिस जिस सेल पे करूँगा जो सिलेक्टेड होगा हमारा, जो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस पर डबल एक्सप्रेशन यू क्लिक द एंटर द प्रॉपर्टी शॉपिंग खुशी में फॉलोइंग आवर क्या सर, 28 नंबर आईडी आ गई ना सर जी। तो अब 28 आईडी, 52 नंबर आ गई, 64 नंबर, अभी आईडी के बिहाफ पे आ गए, जो करना कर सकते हैं आप। आईडी के वेब पे अगर मान लीजिए मैं वहीं पे कुछ चेंज करना चाहूंगा सर, तो इसके लिए आपको एक और फॉर्म बनाना पड़ेगा और इस आईडी को वहां रेफर कराना पड़ेगा और उस आईडी से डेटा डेटा ले लेना पड़ेगा, समझे। एक बार सर करेंगे क्या उसको? मैं यहाँ पे इसमें डेटा पे आता हूँ और मैं यहाँ पे डिजाइन फॉर्म फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, राइट जी। टू डेटा कर, अब मुझे यहाँ पे कोड देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोड देना पड़ेगा आपको, तो
सेव करता हूँ और मैं इसको डिजाइन भी में आता हूँ। डू कमांड रहेगा क्या सर? डू कमांड ओपन फॉर्म क्या? डू कमांड विथ ओपन फॉर्म रहेगा क्या सर? देखता हूँ मैं एक मिनट। आईडी नहीं, फॉर्म पे जाना है। वीवीए में नहीं आया था ना, इसलिए मैं कर रहा था। ये मी डॉट आई डी इक्वल टू फॉर्म अंडर स्कोर फॉर्म वन तो आ जाना चाहिए था इसको ऐसे। आप क्या बोल रहे थे? डू कमांड पे आएगा क्या? डू सी एम डी इक्वल टू ओपन फॉर्म, ये आ सकता है। अच्छा, ये कहा था डू डॉट सी एम डी। हाँ सर। एक कॉलम तो सॉल्व हो गया ना आपका सर? जी सर। अच्छा, इसमें टू सी एम डी एक साथ होता है ना? हो जाएगा हमारा डेटा। विथ वेयर कंडीशन एक मिनट, क्या बोल रहा है? असाइन द वैल्यू ऑफ द कुकीज, वेयर नहीं होगा, इसमें देना होगा हमें डायल का फंक्शन। ये टेक्स्ट है ना, अच्छा आपको जो फॉर्म बनाना पड़ेगा ना सर, ये तो नॉर्मल फॉर्म में बनाया है ना जी।
आपको क्या करना होगा कि इसमें डिजाइन फॉर्म बनाना पड़ेगा, राइट सर। और डिजाइन फॉर्म में ऐसा होना चाहिए कि ये नंबर डालते ही, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, नाम एक कर लीजिएगा, आईडी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें वैल, यहाँ पे आई आई टी, ठीक है जी। तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 29 आ गया, और जो यहाँ 29 होगा इस 29 से बाकी डेटा अपडेट हो जाएगी। मान लीजिए सर अभी ये आईडी 1 पे दिखा रहा है सर, एक बार फॉर्म 1 पे जाएंगे सर, अभी सर जैसे आईडी में 41 के ऊपर अगर एक क्लिक करूंगा तो 41 भी आना चाहिए सर। हाँ, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे 17 को क्लिक किया, देखिए 17 आ गया, बट ये डेटा जो दिखा रहा है सर नीचे, तो डेटा लिंक नहीं किया ना मैं इसके लिए, ये फॉर्म ये सिंपल फॉर्म है ना, हमें फॉर्म इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए ना सर। अच्छा ओके समझे, या फिर जी पे एक काम और हो सकता है, सर्च फॉर रिकॉर्ड है क्या सर? सर्च फॉर रिकॉर्ड रिकॉर्ड लॉग लॉग सेलेक्टर रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कौन करता है रिकॉर्ड सोर्स और गो टू रिकॉर्ड नहीं गो टू पेज अब डी लुकअप लगाना पड़ेगा आपको, जैसे कि नहीं समझे, आपको एक आपको एक ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा, आपको एक ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा, इसको हटा डिजाइन में ये सब हटा देते हैं, ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ नंबर लिखेंगे तो ये जो रिकॉर्ड यहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड आ रहा है ना जी, है ना सर, जो डेटा सोर्स में यहाँ पे आ रहा है, जो डेटा आ रहा है, तो इस पर आपको प्रोग्रामिंग डी लुकअप लगाना पड़ेगा, डी लुकअप से सारा एक एक करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, उसको ठीक है सर, हाँ उसको देख लीजिएगा। ठीक है सर, तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मैं किसी को सारा टाइम दिया हुआ है सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। समझ में आएगा ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।